नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवेंद्र और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल देव पीपल एंड ब्लॉग। दोस्तों आज हमारे साथ है कपूर साहब और कुंडू गुरु जी, तो दोनों का कीमती समय निकाल के सर ने हमें टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने इनको रिसाले के रूप में, इनको डम्बल के रूप में, इनको फूफा फूले के रूप में देखा, भरपूर प्यार दिया। तो सर शुरुआत आपसे करते हैं। सर देवेंद्र भाई, सब तो पहले तो आपका हमारे घर पे आप पहुँचे तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि आपने अपने YouTube चैनल पे हमें स्थान दिया। दूसरी बात की है दर्शकों, आप संघर्ष किसी भी फील्ड में करो, आपकी जिद, आपका जुनून और आपका स्ट्रगल हमेशा एक न एक दिन अच्छा रंग रूप लेके आता है। कपूर साहब ने भी 90 के दशक में शुरुआत करी। कपूर साहब और मैं 20 साल पुराने दोस्त हैं। पहले हम थिएटर कराया करते, फिर सीडी लाइन में आए, तो उस दौर में हमने काम शुरू किया था जब हरियाणा के नरेंद्र भलारा जी, जो हमारे बीच में नहीं हैं, राजेश सिंह पुरिया जी और रामे रंडा जी थे, तो वहाँ पर हमें छोटे मोटे रोल मिलते थे। और आज भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लीड कैरेक्टर रोल करते हैं, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो, जिनको आप कॉमेडी तौर पे कह सकते हो, जैसे टाइम पास में हमारा स्टार इंडिया में जो हमारा टाइम पास वेब सीरीज आ रहा लाग रही उड़ा सावा भी, हाँ खुशी टीवी पे हम रवाओं भी सा। तो मतलब एक कलाकार वही होता है जो कला को आकार देता है, उसके स्वरूप। हालांकि हम किससे भी मूड में बैठे हों, लेकिन हम जब स्क्रिप्ट और डायलॉग पढ़ा हाँ तो हम उस कैरेक्टर में ढड़ जाते हैं, ताकि हम उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ के साथ कार्य करें। कपूर साहब बोले, पूर्व यमुना पश्चिम का घर दक्षिण राजस्थान सुहाना, और उत्तर में गिरिराज हिमालय, और बीच बसे मेरा हरियाणा। जो मेरे हरियाणा की बात आओ है तब मन प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है। देखो ये वो हरियाणा है जहाँ पर छैल गाबरू पाड़ी भी रहे, छोरी ओले में शर्माक है, गोरी ओले में शर्माक है, और भाई अपने मर्द के साथ पूरे कमेरी भी रही हैं। और ये वो हरियाणा से कि यहाँ की लड़की, यहाँ के लड़के जाकर कुश्तियाँ में, फिल्मों में अपने आप को साबित किया, और यहाँ की जो नारी समाज है हमारा, उन्होंने भी जाके जो मतलब सबसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वहाँ पर भी नया आयाम स्थापित कराया, ये वो हरियाणा है। तो इतनी पवित्र भूमि हरि का आना, जित प्रभु हरि, श्री कृष्ण ने भी आके ठिकाना गीता का ज्ञान जिस हरियाणा में दिया हो, वो छोटा मोटा चीज़ नहीं। ये तो पूरा हरियाणा जो है देव भूमि है, ऋषि भूमि है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़ गए। ओहो, जित गीता का ज्ञान होया हो, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आड़े की जनता खातर, आड़े की धरती खातर, जन नीचे जन्मभूमि, यह हमारी जो जन्मभूमि है, जो हमारा हरियाणा है हमारी जन्मभूमि है, जन नीचे जन्मभूमि, यानी कि अपनी माँ के बराबर हम इस धरती माँ को, हरियाणा की धरती को सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बात रही भी कलाकारी की, कुंडू भाई है हमारे जोगेंद्र कुंडू, आज ये देव चैनल से देवेंद्र भाई आया, बहुत बहुत, मैं तो कुदरती आ रहा था कुंडू साहब दरे, और भाई हेट फेट होगी मारी है। बाकी कलाकारी के बाद भाई कुंडू साहब छक जवान होया करते, बीच की मांग पड़ा करते, संघर्ष इतना पत्ती हो गया, ये 8-10 बाण रह रहे हैं, ये भी अगले साल मेरे को मुश्किल पाऊंगा चढ़वा दे। हरियाणा के कई कलाकार ने वेग चढ़वा रखे हैं, बाढ़ बुढ़ चढ़वा रखे हैं। नाम क्यों बताओ क्योंकि समस्या क्या है कि लाइन जो है दिखावटी, सजावटी और बनावटी है। लेकिन कुंडू साहब हमारे इतने सादे, मेरा भाई इतना सादा, इतना साधारण है, इतना धरती से जुड़ा हुआ है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, सादे सम्मा का है। और कुंडू साहब थोड़ा सा यार एटीट्यूड आर्टिस्ट हो, आप स्टार हो रहे, आपको पूरा हरियाणा राजस्थान दिल्ली यूपी जानती है, थोड़ा सा कोट पैंट बढ़िया कपूर साहब, फिर जूते पहने पड़े, खोसड़े पहने, मेरा नुबला जी घुटा है, और सेम तासीर मेरे साथ है। मतलब हम एसी में बैठते आने भी दिक्कत करा, एसी मेट्रो में बैठते आने दिक्कत मने, तो भाई इस मारे क्या है कि बिल्कुल साधारणता जीवन व्यतीत कर रहे हैं भाई। और साधारण जो कहते हैं ना कि भाई साधारण जीवन जो होता है उसके अंदर भगवान का वास होता है,
बिल्कुल। और क्या है कि तभी अच्छा काम भी कर पा रहे हैं हम कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत पुरानी चीज उस टाइम पे 200-200 रुपये 100-100 रुपये में काम करे हम लोगों ने, 100-100 रुपये दिया करते थे कंपनी वाले, फिल्म बनाया करती, सीडी फिल्मों का दौर था, तो 200 रुपये दे दिए, 300 रुपये दे दिए, 50 रुपये भाड़ा ला गया, 50 रुपये की चीज़ जो खा ली, 100 रुपये गोज में गाल कर अगले दिन फिर पहुँच जाते भाई। तो इस तरीके से वो किया है, आज ईश्वर की कृपा से और जनता जनार्दन की दुआ से आज भाई एक सिस्टम बन ला रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। महारे जो पुराने कलाकार थे, सब तो पहली फिल्म हुआ हरफुल जाट जुलानी का आई थी, और फिर वीरा शेरा ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, तो वहाँ से वो दौर शुरू हुआ था फिल्मों का, और काफ़ी फिल्में बनी, लगभग मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास हरियाणवी फिल्में बनी। लेकिन जो कलाकार इन फिल्मों में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर पता नहीं मुझे तो कौन सी सरकार थी, उस सरकार ने मोस्टली सभी कलाकारों को, चाहे वो बाल सिंह बलारा जी होए, चाहे जनार्दन शर्मा जी होए, उनको सबको गवर्नमेंट सर्विस पे लगा दिया। अब कलाकार नौकरी पर लग गए तो फिर फिल्में कौन बनाओगा, तो जो फिल्मों का जो गैप आया बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और हरियाणवी संस्कृति को वो गैप बहुत पीछे ले गया। फिर धीरे धीरे सीडी का दौर आया, सीडियों में एक एक घंटे की शॉर्ट फिल्में बनने लगी, नरेंद्र बलारा जी, राजेश सिंह पुरिया जी अपने कॉमेडी, चाहे वो सोशल, वो चीज़ें परोसने लगे। फिर दौर आया एल्बमों का, पंजाब की तरह भी अच्छे अच्छे गाने बनने लगे। शुरुआती में मैं टेक्निकल और काफ़ी पुअर थे गाने, कुछ गलत वर्डिंग भी, शॉर्टकट, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं शॉर्टकट से स्टार बन जाऊं, लेकिन शॉर्टकट से कोई भी स्टार नहीं बनता, शॉर्टकट में गोडे टूट के और वो घर नहीं बैठ जाया करे। आप सीधा और सिंपल रास्ता, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, मान लो आपने कोई गाना या कोई फिल्म या कोई नाटक बनाया और आप इस दुनिया से चले गए, तो आपके पोते पड़पोते, आपकी औलाद, उन अपने बच्चों को ये दिखाए अगर भाई थारा पड़दादा यो काम करके गया था, तो उनको भी गर्व हो कि मैं उस खानदान से हूँ जहाँ पर अच्छी चीज़ें बनती थी। तो गलत चीज़ें कभी भी मत बनाइएगा, और कोई भी लाइन हो वहाँ पर संघर्ष जरूरी है, जिसने संघर्ष किया है उसने बुलंदियों को छुआ है, ये मेरी अपनी 44 साल की ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो आप डट के मुकाबला कीजिए, मुसीबतें आती हैं क्योंकि भगवान भी अपने करीब लेके आता है, तो उसको दो मांझ के अच्छी तरिया तप के जब उसको अपना आशीर्वाद देता है, अदरवाइज बगैर संघर्ष के, बगैर भक्ति के आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, हम सब ने कपूर साहब और कुंडू गुरु जी को काम करते हुए देखा है, लोगों को हंसाते, लोगों को रुलाते देखा है, और दोनों ही बड़ी बेहतरीन कलाकार हैं। जैसे जोगिंदर जी की अगर बात करते हैं कुंडू साहब की, तो उन्होंने एक भिखारी से लेके एक मंत्री तक का रोल किया, बहुत सारे हरियाणा के आशा नाटकों में काम करा, वेब सीरीज जो चल रही है टाइम पास सीरीज, और एक जो दैया साहब का एक चैनल चल रहा है उसमें भी इन्होंने बड़ा बेहतरीन रोल करा, लाखों दिलों में राज करते हैं। ऐसे ही हमारे कपूर साहब हैं जिन्होंने हरियाणा से लेके बॉलीवुड के गलियारों तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। सर, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे पहले तो आपने बताया फिल्में बनती थी, 2-4-8 फिल्में आई हमारे हरियाणा में की तर्ज के ऊपर, बॉलीवुड की फिल्में थी वो, लेकिन हरियाणा की तर्ज पे थी। फिर बीच में नाटकों की शुरुआत हुई टेली फिल्म की, जैसे अभी आपने बताया, अभी भी टाइम जो वेब सीरीज चल रही है काफ़ी सारी, एल्बम आ रही हैं, तो आपके जो आप कलाकार दोस्त, आपके जो आपका संगठन है, कहीं ना कहीं हरियाणवी फिल्मों को मिस करता होगा, हम भी मिस करते हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी आई थी टेली हरियाणा फिल्म के लिए, उसके बारे में क्या बताएं? देवेंद्र भाई, सच्चाई तो ये है कि जो हम गानों में काम कर रहे हैं या वेब सीरीज में कर रहे हैं, हालांकि कलाकार तो नहीं सोचा अगर एक मेरी बड़ास कड़े मिट लाग कड़े मिट है, तो हालांकि जो अंदरूनी आग है, एक कला की आग है, वो अभी तक हमारी बुझी नहीं है, ना ही शांत हुई है, और ना ही हमने जो काम किया है उससे हम सेटिस्फाइड हुए हैं, क्योंकि
मारा मेन जो शुरू से उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ मेरर कपूर साहब का फिल्मों से है, और फिल्मों का भी पॉलिसी का कट्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हरियाणवी फिल्मों को उन्होंने कहा भाई पॉलिसी पास की है कि साल की कम से कम हरियाणवी बैकग्राउंड पे 12 फिल्में मिलेंगे बनेंगी, तो 12 में तो अगर 2 फिल्म भी मेन्नर कपूर साहब ने ठहगी तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। दूसरी बात वो सारी थी बनेंगे तो सारी दूसरी बात यो रूटीन जो साल की 12 फिल्मों का है, यो सिलसिला जब सक्सेस हो पाओगा दर्शकों, जब तक तुम हॉल पे जाते रहोगे, जिस दिन तुमने हॉल पे हमारी फिल्म देखनी बंद कर दी ये सिलसिला बंद हो जाएगा। फिर कोई कलाकार कोई दूसरे काम धंधे की तलाश में, क्योंकि उसने भी तो अपना घर चलाना है, तो कलाकारों को जिंदा रखना आपके सुपरत है, आपके हाथ है कि जब भी कोई फिल्म आए, जैसे अब दादा लक्ष्मीचंद की फिल्म है, यशपाल शर्मा जी ने दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर फिल्म बनाई है, बहुत जल्द वो थिएटरों पर लगेगी, आप उसको देखने जाएं। मदान साहब ने फिल्म बनाई है हंसा, वो भी पर्दे की फिल्म है, उसको वो भी थिएटर पे आए तो आप देखने जाओ, कहीं ना कहीं कपूर साहब और मैं उन फिल्मों में आपको नज़र आएंगे। और आपका जो इंटरटेनमेंट जो 2-2.5 घंटे जो आप हमारे को दोगे 100% हम गारंटी लें, हाँ आपका जो भी 100-150 रुपये खर्च होगा वो वसूल होगा। ये हमारी मतलब जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, एक हरियाणवी को कल्चर को लेके हुए एक आपसी भाईचारा प्रेम, क्योंकि एक हरियाणा है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी प्रेम और भाईचारा और एक शर्म और लिहाज आज भी करीजा है। दूसरी बात, जब फौजिया का जिक्र कर रहे थे तो फौज के अंदर पूरे भारत में 80% हरियाणा के जवान शहीद होते हैं, 80% नाज यहाँ जमीन का सीना पाड़ के किसान दिन रात मेहनत करके आपके लिए पेट भरने का राशन निकालते हैं जमीन से। तो जय जवान जय किसान। दोस्तों कुंडू साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सच बात है कि अपनी भारतीय सेना, अगर हम तीनों विंग की बात करते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसका हर 10वां सिपाही हमारी हरियाणा की माटी से जन्मा है। ये बहुत गर्व की बात है, जो बॉर्डर पे खड़े होकर वो भाई दिन रात हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं। ऐसे ही मेरे किसान भाई हैं जो दिन रात गर्मी सर्दी बरसात को ना देखते हुए मेहनत करते हैं। हमारे हरियाणा और पंजाब को तो अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। अगर ये किसान हमारी खेती नहीं करेंगे, अगर उनको उनका सही दाम नहीं मिलेगा उनकी फसलों का, तो वो हमें खिलाएंगे क्या? ये सच बात है दोस्तों। और ऐसे ही हमारे हरियाणा के कलाकार हैं जिन्होंने अपने कलाकारी के दम पे लेखनी में, नृत्य में, गायन में हमारी हरियाणा की संस्कृति को 4 चांद लगाए हैं। इन सबको भाई हमारा सलूट है, हमारे चैनल की तरफ से सलूट है, सच बात है। तो दोस्तों मैं अपील करता हूँ आपसे, जैसे आप अपने परिवार के साथ बॉलीवुड की, रॉलीवुड की फिल्में देखने जाते हो, जैसे अभी कुंडू साहब ने बताया कि यशपाल शर्मा जी हरियाणवी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो भाई सबसे अपील करता हूँ सारे परिवार के साथ जाओ सिनेमा थिएटर में, फिल्म को देखो, मनोरंजन से भरपूर है, हमारी हरियाणा की संस्कृति लबालब भरी हुई है फिल्म में। सब लोग जाओ सिनेमा घर में भाई, फिल्म का आनंद लो, और पैसे वसूल फिल्म है। कपूर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इन्हें कहना चाहूँ भाई, फिल्म दादा यशपाल शर्मा बनावा है, फिल्म मनीष मदान बनावा है, फिल्म जोगिंदर कुंडू या दीपक कपूर बनावा है, फिल्म रामकेश जीवनपुर वाला बना हुआ है, MDKT बना हुआ है, कोई भी बना हुआ है, जब हरियाणा की बात आ जाती है तो हमारा सबका ये फर्ज बना से कि हम अपनी संस्कृति ने, अपने सिनेमा ने ऊपर ठावा, क्योंकि हम जब यो एक यज्ञ की डाला है, यज्ञ में आहुति सब ने देनी पड़ेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई जैसे आप हरियाणा को, हरियाणा के सबको सपोर्ट करते हो, हरियाणा ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे, हरियाणा में एक ले लो रे, अगर अरे एक बार फिल्मा ने लेके ले लो रे हो जाना है तो कुंडू साहब जी से आज मतलब कि यो रेला अगर हरियाणा में उनका भी बावड़ा सिस्टम है, बावड़ा नहीं, ये बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिविटी है कि अपने के लिए, अपने काम के लिए, मतलब जब संगठन बढ़ के चलते हैं ना तो एक बार वो दौर आएगा, वो दौर फिर रिपीट होगा 84 वाला जो चंद्रावड़ के दौरान ठेली भर भर कर जाया करती। और भाई आज तो हम संपन्न हैं, उस टाइम पर इतनी संपन्नता भी नहीं थी, और ये फिल्म सिनेमा नाच गाना ये संपन्नता का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, तो आज तो और भी संपन्न है मेरा हरियाणा।
है ना। तो भाई आगे फिल्में भी आऊँगी और सारे कलाकारों ने सपोर्ट किया करो, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नए कलाकार हैं, नए बालक हैं, कुंडू साहब ने अपने वक्तव्य में मतलब संघर्ष किए बगैर डोंट अचीव योर गोल, मतलब अपना टारगेट तुम पा ही नहीं सकते। तो इसलिए भाई संघर्ष करके, एक तो फुलझड़ी बम होया करे, एक होया करे हांडी फोड़ बम, तो भाई हांडी फोड़ बम बनो जिसका खुड़कन जान पाटा भी क्यों बाज जाए, फुलझड़ी छुर पुर पुर करके कर रह लेगी, वो साल चल रहा है, दो साल चल रहा है, ये डाल का सिस्टम होना चाहिए कि लगातार लगे रहो। ये हमारे साथ कुंडू साहब पुराने टाइम में 20-25 मानस सारे जुड़े थे, 20-25 मानस कलाकारी के दौर में। अरे देखो कार बाबा डे कुण बाबा डलना रहे, आगे और बढ़ेगा, है ना। और इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। देखने वाले चैनल देव चैनल है भाई का, और भाई उसको कि देव पीपल एंड ब्लॉग इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। दोस्तों जो कुंडू साहब और दीपक कपूर साहब हैं, हरफन मौला हर दिल अजीज, लास्ट में जाते जाते एक बार इनको आपकी वही आवाज़ एक बार जरूर सुनवाएंगे। सर जैसे आपका वो आजकल डंबल का जो चल रहा है बड़ा फेमस है, लोग प्यार करते हैं, एक बार उसकी आवाज़ में एक बार बात करके देखो। शेयर कर दियो ना तो चलो दूंगा। वाह जी वाह। कुंडू साहब आप भी कुछ कहना चाहोगे लास्ट में दर्शकों को? भाई दर्शकों दें, एक मेरा डायलॉग है, मैं अक्सर टिकटॉक पे बनाया करूँ कुछ डिफरेंट सा, सुनो रे। तो जो कलाकारी है, कलाकार आपके लिए एक चीज़ बनाते, चाहे वो गाना हो या चाहे फिल्म हो या चाहे शॉर्ट फिल्म हो चाहे कॉमेडी हो, उसके पीछे अगर आप झांक के देखोगे ना, उसके सेट पे जाना, शूटिंग पे जाना, कि वो कितनी मेहनत करते हैं, पूरी टीम उसमें, डायरेक्टर, कैमरामैन, कलाकार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेहनत जब्बर रंग ले आ करे जब आप दर्शक उस चीज़ को देखते हो। कई बार क्यों है, अक तुक्के लाग जाए हैं, तुक्के तो एक बलागेंगे दो बलागेंगे, लेकिन कलाकार की जो सच्ची मेहनत, लगन और जिद होती है या समर्पण होता है उस काम के प्रति, तभी वो एक अच्छा कलाकार बन सकता है। और अच्छा कलाकार बनने से पहले उसको अच्छा इंसान होना जरूरी है। पहले अच्छा इंसान बनो, फिर आप अच्छे कलाकार बनोगे। जय हरियाणा, जय हरियाणा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।